नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अखिलेशियंस में। समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलेटिन जारी करके मोहम्मद आजम खान जी की तबीयत के बारे में बताया गया। समाजवादी पार्टी के सांसद सदस्य मोहम्मद आजम खान और उनके सुपुत्र मोहम्मद अब्दुल्ला खान कोरोना संक्रमण के कारण मेदांता अस्पताल लखनऊ में इलाज के लिए भर्ती हुए थे। आज दिनांक 13 मई को भी सपा सांसद आजम खान को सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण कोविड आईसीयू में रखा गया है। आज उनको कम ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है। उनका इलाज सीवियर इन्फेक्शन डिजीज़ प्रोटोकॉल के तहत मेदांता अस्पताल लखनऊ की क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टर की कड़ी निगरानी में चल रहा है। उनकी हालत स्थिर है। वहीं मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर एवं संतोषजनक है। उन्हें भी डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हम सब की यही दुआ है दोस्तों कि जल्द से जल्द मोहम्मद आजम खान स्वस्थ होकर हम सब के बीच आए।